प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके पहले में हम लोग देखे थे कि परमानेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन था? मिनिस्टर्स लोग थे जिनको हम लोग चूज करते हैं, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव सिविल सर्वेंट्स, जो लोग एग्जाम देकर पास होते हैं फिर सिलेक्शन होता है, तो उन लोगों का रोल था। अब हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए इंडिया को पार्लियामेंटरी या प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। यूएस में प्रेसिडेंट का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट प्रेसिडेंट चाहे, जैसे अगर वो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करता है तो वो कांग्रेस का बात नहीं भी सुनकर अपने मन से रूल्स पास कर सकता है, तो इसीलिए उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर और उसका जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स है, जैसे हर डिपार्टमेंट का हेड, हेल्थ मिनिस्टर का हेड, टूरिज्म का हेड, रेलवे का हेड, वो सारे हेड्स मिलकर और प्राइम मिनिस्टर मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनता है। तो लोकसभा में जो भी पार्टी मेजॉरिटी में जीतता है उसी का लीडर को प्राइम मिनिस्टर चूज किया जाता है, और अगर किसी को भी नहीं मिलता मेजॉरिटी तो क्या होता है, दो तीन पार्टी लोग मिलकर कोअलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, वो लोग अपना मिलकर एक अलायंस फॉर्म करते हैं और अपने मन से वो लोग चूज करेंगे कि हम लोगों का लीडर कौन होगा। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर को चूज किया जाता है। देखो, प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर, 5 साल के बाद वो वापस से अगर री इलेक्ट हो गया तो वो वापस से रूल कर सकता है, जब तक चाहे, जब तक वो री इलेक्शन में जीत रहा है तब तक वो रूल कर सकता है। जज वगैरह का क्या होता है, 60 के बाद रिटायर, 65 के बाद रिटायर, ऐसा इसमें नहीं होता। तो जब प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो जाता है तो प्रेसिडेंट बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर के सजेशन से। बाकी मिनिस्टर्स जो रहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पार्टी का ही रहता है, जैसे बीजेपी जीता है ना, तो बाकी जो भी मिनिस्टर्स होंगे इम्पोर्टेंट पोजिशंस पे सारे बीजेपी के ही मिनिस्टर्स होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर अपना मिनिस्टर्स खुद चूज करता है इजीली, प्रेसिडेंट सिर्फ नाम का उसमें बस अपॉइंट करता है। अगर कोई इंसान पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है और अगर उसको मिनिस्टर बनना है, या किसी इम्पोर्ट अचानक से कोई सीट खाली हो गया, मिनिस्टर का जरूरत है, और कोई इंसान बहुत केपेबल है, प्राइम मिनिस्टर के नज़र में है, जान पहचान का है, तो वो उसको उस पोस्ट में दे दिया, लेकिन 6 महीना के अंदर उसको या तो राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, तभी वो मिनिस्टरशिप अपना कंटिन्यू कर सकता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ऑलमोस्ट 60-80 मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स जनरली टॉप लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं, जिन लोगों के साथ मीटिंग, मतलब ऑलमोस्ट 20-30 मिनिस्टर्स जो प्राइम मिनिस्टर के एकदम करीब होता है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज, छोटा छोटा डिपार्टमेंट अलग अलग स्टेट को संभालने के लिए, तो वो हो जाता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो वो लोग स्टेट का इंफॉर्मेशन कैबिनेट मिनिस्टर्स तक लाएगा, ताकि वो जो 20-30 लोग प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं तो वो लोग सारे स्टेट का प्रॉब्लम ठीक से समझा पाएं। सिंस इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल द मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली, ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम सारा मिनिस्टर्स लोग मीटिंग कर पाए, 70-80 मिनिस्टर तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद कितना सारा और है। तो इसी वजह से दैट इज वाई पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन रेफर्ड टू एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि सिर्फ 20-30 मिनिस्टर लोग मिलकर मेन डिसीजंस ले लेता है, फिर बाद में प्रॉब्लम हुआ, कुछ हुआ, तो वो कंसल्टेशन फर्दर किया जाता है। द मिनिस्ट्री मे हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस बट एवरीवन हैज टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। सपोज ये कैबिनेट है तो हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं, किसी बात से हम अग्री नहीं करते, लेकिन डेमोक्रेसी है ना, तो मेजॉरिटी में हाँ तो मिलाना ही पड़ेगा, तो वो रूल पास हो गया और वो रूल्स अब लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाहर जाकर बोल देंगे कि हम तो मना किए ही थे, लोग जबरदस्ती पास किया या कुछ। अगर डिसीजन पास हो गया तो सारा मिनिस्टर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसी भी चीज़ का। तो स्टैंडर्ड 8 में पढ़े थे ना, इसी को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। फिर सेक्रेटरीज होता है जो बैकग्राउंड सारा छोटा छोटा काम करके देता है। द कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, उसमें अलग अलग सिविल सर्वेंट्स वगैरह होते हैं
जो डिफरेंट मिनिस्टर्स का जैसे अपॉइंटमेंट टाइम शेड्यूल, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट फॉर्म पहुंचाना, फिलिंग करना, ये सारा काम वो लोग करते हैं। तो पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पॉइंट वाइज लर्न कर लेना। कैबिनेट मीटिंग्स का वो हेड होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का वर्क वो कोऑर्डिनेट कराता है। अगर डिसएग्रीमेंट हो रहा है चार मिनिस्टर के बीच में, तो प्राइम मिनिस्टर जिसको सपोर्ट करेगा उसी का डिसीजन फाइनल होगा, तो वो हेड के जैसा ही है। प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि किसको कौन सा मिनिस्टर बनाना है, किसको फाइनेंस का बनाना है, किसको किस डिपार्टमेंट में डालना है। ही हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स। और अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट कर देगा, बीच में रिजाइन करेगा, तो पूरे कैबिनेट को क्विट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब नया प्राइम मिनिस्टर आएगा तो वो तो अपना कैबिनेट खुद चूज करेगा ना कि कौन 20-30 मिनिस्टर होंगे जो मेरे साथ रहेगा। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर क्विट कर रहा है मतलब पूरा कैबिनेट क्विट कर देता है। तो इंडिया में कैबिनेट बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, जो हम बोले ना, प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, क्योंकि मेजॉरिटी काम सारा प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही है। द मीडिया ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू दिस ट्रेंड बाई मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस एज अ कंपटीशन बिटवीन टॉप लीडर्स ऑफ पार्टीज। जैसे अभी दो टॉप पार्टी क्या है, कांग्रेस और बीजेपी, तो मीडिया क्या करता है, जोक्स बनाता है या एकदम दिखाता है, जैसे बच्चों के बीच कंपटीशन होता नहीं, जीतना ही है, तो उस तरह से मोदी और राहुल गांधी के बीच में एकदम कंपटीशन कर देता है, पब्लिसिटी करना ये सब काम। तो यही लिखा है कि मीडिया का भी रोल होता है ये पढ़ाने चढ़ाने में, वो लोग एकदम एक कंपटीशन के जैसा बना देता है। तो इस वजह से क्या होता है कि पॉलिटिक्स मतलब टॉप लीडर्स के हाथ में ही ज़्यादा पावर रह जाता है। आज बीजेपी रूल है तो उसमें 5-6 लीडर ही ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा पावर है, या 10-15 होंगे, लोअर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास ज़्यादा पावर नहीं होता है। नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्शंस, 11th चैप्टर पढ़ो। इन इंडिया टू वी हैव सीन सच अ टेंडेंसी टुवर्ड्स द, आगे पढ़वाइए, सच अ टेंडेंसी टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जैसे जब जवाहरलाल नेहरू था तो उसके पास बहुत सारा अथॉरिटी था, फिर इंदिरा गांधी आई, इतनी पावरफुल फिगर थी कि उसके पास बहुत सारा पावर था, और अभी भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बना तब कोअलिशन गवर्नमेंट था, इसी वजह से मनमोहन सिंह बहुत अच्छा मिनिस्टर था, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया क्योंकि वो कोअलिशन गवर्नमेंट का हेड था ना, तो उसको सारे मिनिस्टर्स का बात सुनना ही पड़ता था। तो जब एक मेजॉरिटी से कोई पार्टी जीतता है ना, तो उसका प्राइम मिनिस्टर अपना बहुत मनमानी कर सकता है, लेकिन कोअलिशन में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसको अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग फैक्शंस का ध्यान रखना ही पड़ता है। हम नहीं रखेंगे अगर ध्यान तो क्या होगा, दूसरा पार्टी बोल देगा हमको इसमें से अपना वोट निकालना है, हम नहीं तुम लोगों के साथ एक साथ रहेंगे। तो इस चक्कर में ये था सारा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फंक्शंस। प्रेसिडेंट ऐसे तो हेड है, लेकिन ही इज ओनली अ नॉमिनल हेड, क्योंकि उसको बस, जैसे क्वीन ऑफ ब्रिटेन है, ब्रिटेन की जो क्वीन है वो क्या है, हर चीज में, हर चीज, इंग्लैंड का सब कुछ उसके नाम का है, इतना बड़ा पैलेस उसके नाम पे, सब कुछ, पासपोर्ट वगैरह उसके नाम पे हायर होता है, सब कुछ उसका है, लेकिन उसके पास कोई एक्चुअल पावर नहीं है क्योंकि वो इतनी एजेड है, वो थोड़ी ना कोई डिसीजन ले रही है, वो उसके नाम पे तो खाली साइन चल रहा है, डिसीजंस कौन ले रहा है, उसी का प्राइम मिनिस्टर और उसी के डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स। इंडिया में ठीक वही चीज़ है, प्रेसिडेंट हर चीज़ में साइन करता है और कोई भी चीज़ लॉ तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट साइन करेगा, लेकिन उसके पास कोई एक्चुअल पावर्स नहीं है, उसको साइन करना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम लोग डायरेक्टली नहीं करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को हम लोग डायरेक्टली चूज कर रहे हैं, इसलिए उसके पास ज़्यादा पावर है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो डायरेक्टली इलेक्ट होता है वो ज़्यादा पावर दिखाता है। प्रेसिडेंट कैसे चूज किया जाता है, क्लास 8 में पढ़े थे, पूरा एक फॉर्मूला सब था। तो हर पार्लियामेंट का मतलब मेंबर्स मतलब MPs और हर स्टेट का MLAs उसके लिए वोट करता है। इस तरह से बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है, वैसे प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट होता है। तो द सेम इज ट्रू ऑफ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, उसके पास जो भी पावर है, जैसे सारा गवर्नमेंटल एक्टिविटीज प्रेसिडेंट के नाम पर होता है, कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन लिया जाएगा या कोई लॉ चेंज किया जाएगा तो प्रेसिडेंट के कंसेंट से ही होगा। कोई भी मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट मिलता है या काम पे रखा जाता है तो वो सारा प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट लेटर में साइन करना होता है ना,
कि कौन हायर कर रहा है, तो प्रेसिडेंट ही हायर करता है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट का हेड, और सुप्रीम कोर्ट का बाकी जजेस, हाई कोर्ट का हेड, हाई कोर्ट का बाकी जजेस, इलेक्शन कमिश्नर्स, दूसरे कंट्रीज में जो अम्बेसडर्स होते हैं, अम्बेसडर्स पता है ना क्या होता है, जैसे एम्बेसी होता है एक चीज, एक डिपार्टमेंट है कि हम लोग का कंट्री का थोड़ा सा लैंड है, हाँ, दूसरे कंट्री में जैसे यूएसए में इंडियन एम्बेसी है, तो इसका मतलब वहां पर इंडिया का एक ऑफिस है। तो यूएस में रहने वाले जो भी इंडियंस को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वीजा का प्रॉब्लम, पासपोर्ट का प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम, तो वो लोग वहां के एम्बेसी में बात करेंगे। तो उस एम्बेसी में जो ऑफिसर रहता है उसको एम्बेसडर बोलते हैं, वहां का हेड। तो हर कंट्री में, अब इंडिया में भी सारे बड़े बड़े कंट्रीज का एम्बेसी है, ऑफिस है, उसी तरह से हर कंट्री में इंडिया का भी ऑफिस है, बड़ा छोटा जगह के हिसाब से। तो एम्बेसडर्स को अपॉइंट करना, ये सारा काम प्रेसिडेंट का होता है। जितना भी अग्रीमेंट, इंटरनेशनल ट्रीटी साइन होता है दूसरे कंट्री के साथ, कि इतना रुपया उस कंट्री से मिल रहा है ये प्रोजेक्ट करने के लिए, वो प्रोजेक्ट करने के लिए, सारा प्रेसिडेंट के नाम पर होता है। और जितना भी डिफेंस फोर्सेज है सबका हेड प्रेसिडेंट है। लेकिन प्रेसिडेंट अपना सारा पावर्स सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही यूज करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर बोल देगा कि ये डिसीजन पे आपको सोचना चाहिए या ये गलत है, तो प्रेसिडेंट वो डिसीजन फिर नहीं ले सकता। पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास होता है तो प्रेसिडेंट के साइन से ही। लेकिन अगर तो प्रेसिडेंट एक बार बोल दिया कि ये बिल में ये चेंजेस जरूरी है, वापस वो पार्लियामेंट में चला गया डिस्कशन के लिए। लेकिन अगर सेकेंड टाइम वापस घूम कर आ गया कि अभी जो है इसी को साइन करना, तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। अब अगर गलत हुआ वो चीज, तो फिर सुप्रीम कोर्ट मना करेगा, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है। तो ये सब खाली नाम का पावर से समझ में आ रहा है। आगे का पढ़ो।